ये हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले के बाद ड्रोन फुटेज जारी किया गया है और इस फुटेज में इसराइल के शहर एश्कलोन में हुई तबाही को दिखाया गया है, जिसमें एश्कलोन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पिछले चार दिनों से इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और हमले के बाद हमास के आतंकी इसराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से लिया गया फुटेज है और इसमें एश्कलोन जो कि दक्षिण इसराइल में है, वहां की तबाही को दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से ये जो आपको इमारत दिख रही है वो कई जगहों से ध्वस्त हुई पड़ी है, साथ साथ रेलिंग टूटी हुई आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ियों की भी परखच्चे उड़े हुए हैं। और वहीं भारत दौरे पर आई तंजानिया के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया और इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपाधि के लिए तंजानिया के राष्ट्रपति को बधाई दी है। इससे पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सरोद बजाना सिखा रहे थे। भारत दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति पहुंच आई है। तेल अवीव में हमास ने हमला किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हमला कम किया है। हमें भी दक्षिणी हिस्से में जाना होगा यहाँ से, ताकि आपको वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट भी न्यूज 18 इंडिया की टीवी पर और न्यूज 18 इंडिया के चैनल पर आपको बता दें। देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया एक एक तस्वीर इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की आपको दिखा रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर लगातार मौजूद है, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है, दोनों के बीच मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, साथ ही उन्हें मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि पहले ही भारत इस बात को क्लियर कर चुका था कि देखिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और इस बात को लेकर भारत हमेशा कहता आया है कि देखिए बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से हमास की तरफ से युद्ध की शुरुआत की गई, उसकी कड़े तौर पर निंदा भारत की तरफ से की गई थी। इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को थैंक यू करता हूं कि उन्होंने मुझसे फोन पर बातचीत की और अपडेट दिया कि आखिर ऑनगोइंग सिचुएशन, वहां पे मौजूदा हालात क्या है। और भारत जो है वो पूरी तरीके से इसराइल के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा हुआ है और हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं इस बात को कि आखिर जिस तरीके से आतंकवाद हमास की तरफ से फैलाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए एक तरफ तमाम ऐसे ताकतवर देश जो लगातार इसराइल की तरफ के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जो है वो शामिल है, दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो फिलहाल फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ईरान तक का नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात को बताया कि हाँ उनकी पीएम नेतन्याहू से बात हुई है। एक एक खबर आपको बता रहे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी इसराइल से जहां पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया है और दक्षिणी इसराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, एयर अलर्ट के लिए ये सायरन बज रहे हैं ताकि हमले के हालात में लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें और सुरक्षित जगहों पर छिप सकें। दक्षिण इसराइल में ये हमला हुआ है, कई रॉकेट से हमास ने हमला किया है। ये आपको ताजा तस्वीरें दिखा रखी हैं कि आखिर किस तरीके से, देखिए किस तरीके से जब हमला किया गया उसके बाद की ठीक है तस्वीरें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कई रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया, लेकिन जितनी बार हमास हमला कर रहा है उतनी बार इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसा बदला लेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी हमास के, कि आखिर हमारे घर में घुसकर जो है इस युद्ध को ललकारा है। और इन सब के बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है दक्षिण इसराइल में, देखिए हमास की तरफ से जब ये हमला किया गया ठीक उसके बाद की तस्वीरें कि आखिर किस तरीके से ये धमाका हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर आप रशिया यूक्रेन युद्ध को याद करेंगे, उस वक्त ये था कि रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा था शुरुआती दौर में, रिहायशी इलाके यानी कि समझिए जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हमास की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत की गई तो सबसे पहला निशाना जो है वो रिहायशी इलाकों को बनाया गया, यानी कि बाजार, हॉस्पिटल, लोगों के घर,